हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा ब्लॉग एंड शॉर्ट पर स्वागत है। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू कर दिए हैं और अभी बच्चे लोग को स्कूल छोड़ आए हैं, तो सुबह सुबह स्कूल भी छोड़ दिए पहले, और उसके बाद अभी आए हैं बिस्तर। आप देखिए अभी तो कपड़ा वपड़ा चेंज किए हैं, अभी बिस्तर पर कपड़ा वपड़ा है, तो अभी इसको भी अभी साफ सुथरा कर देंगे। जब तक वो लोग नहीं आ रहे हैं, फिर उन लोग स्कूल से आ जाएगा तो फिर काम कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए तो अभी हम सोचे कि चद्दर उधर सब बिस्तर झाड़ दे। और आज की थोड़ा गर्मी कम है, रोज इतना गर्मी रहता है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है स्कूल जाने में, चाहे ऐसे आने में बहुत गर्मी रहता है, लेकिन अभी बारिश होने की वजह से एक दो दिन से भी मौसम ठीक हो गया है। रात को भी ठंडा वंडा आप सबको लगता होगा, और अभी अभी ठीक है मौसम। पर आज अभी धूप उतना हुआ नहीं है बाहर में, अभी हम स्कूल गए थे तो बाबलों को छोड़ने के लिए अभी दोनों चले गए हैं। और आपको दिखाते हैं कुछ और भी कि मेरे रूम में इसमें टीवी नहीं लगा था ना, वो बोले थे कि वो पहले जिसमें रहते थे उसमें ही टीवी था और इसमें नहीं लग पाया था, तो बहुत टाइम के बाद हस्बैंड का छुट्टी था, कल ये परसों छुट्टी था, तो उन्होंने टीवी लगा दिया है। पर अभी उसमें डिश विश नहीं लगा हुआ है, अभी मतलब सेटअप बॉक्स नहीं लगा हुआ है, पर टीवी लग गया है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग का टीवी लग गया है। और टीवी लग गया तो दिखाते हैं व्यू चाहिए। तभी दिखाते हैं, देखिए हम लोग का टीवी कहाँ लग गया है। ये देखिए यहाँ पे टीवी लगा दिए हैं हम लोग, देखिए टीवी भी लगा हुआ है यहाँ, हस्बैंड लगाए हैं अभी, और ये वाला अभी नहीं लगा। यहाँ पे क्या है कि हस्बैंड ड्रिल मशीन से कर रहे थे तो गड्ढा हो गया था, तो अभी इसमें सीमेंट लगा के छोड़ दिए हैं, पर अभी सूख उग जाएगा एक दो दिन में, तब जाके यहाँ पे ये लगेगा तो स्टैंड लग जाएगा, तो फिर यहाँ पे सेटअप बॉक्स लग जाएगा। और यहाँ इस रूम में देखिए यहाँ पे एक्सटेंसर बोर्ड लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि इस रूम में सिर्फ एक ही वो है बोर्ड है, इसमें या तो आप चार्ज कीजिए, एक ही है कनेक्शन जिसमें चार्ज कीजिए, चाहे टीवी चालू कर दीजिए, कुछ भी एक ही, और उसके जगह पे यहाँ पे और कोई जगह नहीं है। और अभी आपको दिखाते हैं मेरा छोटा सा मंदिर, और हस्बैंड बना दिए हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा छोटा सा मंदिर, आपको करीब से थोड़ा दिखाते हैं, रुक जाइए। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल उतना अपने लिए करेंगे ही, और भगवान जी जिस रूम में है उसमें भगवान जी भी अपना रख लिए, क्योंकि जगह एक्स्ट्रा नहीं है। और इधर अभी देखिए कनेक्शन वैसे कुछ नहीं है, अभी सिर्फ लग गया है, मोबाइल से चाहेंगे तो कनेक्शन हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। और इधर गर्मी के लिए कूलर लगा कर रखे हुए, जब गर्मी लगता है तो यहीं से कूलर लगाने से ठंडा खींच लेता, अच्छा रहता। उस वाले रूम में ना मतलब खिड़की नहीं था, रूम था, मैं वो दो दरवाजा था और उसके वजह से खींच नहीं पाता था, कितना भी कूलर चलता था तो नहीं कुछ उतना होता था। लेकिन अभी जरा सा भी चला देते हैं, थोड़ा देर ही चलाते हम लोग, ठंडा बिल्कुल हो जाता रूम, फिर बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल गर्मी वैसा नहीं लगता जैसा लगना चाहिए था। पर इसको चलाने से थोड़ा देर, एक घंटा या हम मैक्सिमम एक घंटा या डेढ़ घंटा हम लोग चलाते हैं, हस्बैंड सो जाते हैं, अक्सर हस्बैंड सो जाते हैं तो फिर हम बंद कर देते हैं, जब तक वो जागे रहते हैं ना नहीं बंद करते, क्योंकि उनको गर्मी ज़्यादा लगता है और खाली बोलते रहते हैं एसी खरीदा दो, एसी खरीदा दो करते रहते हैं। तो मैं बोली अरे एसी दिन भर एसी अच्छा नहीं लगता ना, और वो ड्यूटी में रहते तो एसी है ही दिन भर, फिर भी एसी एसी पता नहीं क्यों रहते हैं। हम बोले अच्छा है तो कूलर, क्या दिक्कत है कूलर में पता नहीं। तो अभी आपको ये बताना भूल गए
कि अभी स्कूल गए थे, अभी वहाँ से आए हैं, तो अभी सुबह सुबह पार्सल आ गया है, तो वो भी इसलिए भूतू का बर्थडे है, मेरा बेटी का बर्थडे है कल, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन शॉपिंग किए थे मेसो से, मामा कलेक्शन से वेस्टर्न ड्रेस है भूतू के लिए ऑर्डर किए थे, तो उसमें लिखा था 4-5 दिन में डिलीवर हो जाएगा, पर इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था, अभी 2 ही दिन शायद हुआ हमको लगता है और डिलीवर हो गया है, तो हम आपको अभी दिखाएंगे कि कौन सा ड्रेस ऑर्डर किए हैं, मतलब आ गया है, ऑर्डर तो किए थे पर अब आ गया है, वो आपको दिखाने वाले, फिर आपको बेटी को बर्थडे में देखने को मिलेगा पहनते हुए, अगर गर्मी नहीं रहा, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया है वो थोड़ा वेलवेट टाइप का है, तो शायद अगर गर्मी रहा तो नहीं भी पहना सकते हैं, पर उसके लिए खरीद दिए हैं, अगर नहीं रहा तो पहन लेगी, गर्मी नहीं रहा तो, और गर्मी लगेगा तो शायद ना पहना पाए, पर लाए हैं तो आपको दिखाते हैं, अभी रहिए अभी दिखाती हूँ मैं पहले वैसे थोड़ा सा खोल कर चेक कर ली हूँ, क्योंकि जब देने वाला आया था तो उसी समय मैं खोल ली थी, चेक कर ली थी कि कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, तो इसीलिए खुला हुआ है, मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ, ये देखिए तो ये देखिए मैंने क्या ऑर्डर किया है, ये देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मामा कलेक्शन से ऑर्डर हुआ है मैसो का, और ऑफर में भी चल रहा था, एक बात इसमें ये है कि देखिए मैं पहले दिखाती हूँ उसके बाद बताती हूँ ऑफर इसके बारे में, तो ये देखिए ये ड्रेस है कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, तो साइज अपना अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ड्रेस अगर बुक करना है तो आपको मैं पिक्चर लगा दूंगी, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, और एक चीज़ और हो रहता है आपको एक्सचेंज, जैसे आपको पसंद नहीं रहा तो भी एक्सचेंज होता है, तो उसका डिस्काउंट अलग है, अगर आपका ड्रेस का दाम लिखा हुआ है 356 रुपया और अगर 20 रुपया डिस्काउंट हो रहा है तो 20 रुपये जिसमें डिस्काउंट आप करना चाहते हैं तो उसमें तो एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब कोई आपके कपड़े में दिक्कत भी होगा तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन 356 रुपये का आप वही वाला बोलेगा नहीं कोई ऑफर वाला नहीं, डिस्काउंट नहीं चाहिए, आपको 356 में चाहिए और हम चेंज कर सकते हैं बाई चांस आपको कलर ना पसंद आए, क्योंकि मोबाइल में हम लोग देखते हैं, रियल दुकान में तो देखते नहीं है, तो बच्चे के साइज में अटेंगे नहीं अटेंगे वो तो दोनों सिचुएशन हो जाता है ना, तो इसीलिए अभी आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए कुछ ड्रेस इस तरह आपको देखने को मिलेगा, मतलब देखने के लिए पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, ये देखिए ये है यहाँ पे ऐसे, और ये देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा था, देखिए वेलवेट का मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, देखिए ये देखिए वेलवेट का है और कुछ आपको इस तरह मिलेगा, ये देखिए चमकेगा इस तरह, और यहाँ पे इस तरह है, तो ये ड्रेस मुझे पसंद है, इसमें का बहुत सारा कलर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पर्पल कलर है, इसमें का आपको ग्रीन में मिल सकता है और ब्लू में भी है, ब्लैक में भी है, तो मैं ब्लैक में नहीं ली क्योंकि ब्लैक में ऑलरेडी मैं अभी देवर का शादी था तो मैं पार्टी ड्रेस बूतू के लिए ब्लैक खरीदे हुए थे तो इसीलिए उसको नहीं खरीदे, सेम क्या ड्रेस इतना खरीदना, और ये वाला बुक किए क्योंकि इस कलर का कोई ड्रेस नहीं है, और जब भी फिर कोई और होगा तो कोई और कलर का होगा, पर ये और उसके साथ ये है, ये देखिए ये है यहाँ पहनने के लिए, मतलब यहाँ है सटाने वाला, देखिए तो ये इस तरह कुछ है, इसको सटा दीजिएगा तो इसमें पहन सकते हैं, इसके साथ मैचिंग, ये ड्रेस के साथ मैचिंग ये पहनने के लिए है, और ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो हम ये खरीदे 356 में खरीदे हैं, 356 में है, और अगर आपको ऑफर में चाहिए था तो वही डिस्काउंट था 320 रुपये में मिलता, पर उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, बाय चांस अगर मान लीजिए खराब हो जाता या ये खुला रहता तो फिर दिक्कत हो जाता, तो इसीलिए हमने 356 रुपये का ही बुक करके ये वाला बेटी का बर्थडे के लिए ऑर्डर कर दिए थे।
और अच्छा लग रहा था ये ड्रेस। और आपको इसमें पिक लगा देंगे कि ये ड्रेस कैसा दिखता है लुक, आप चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये कोई मैं प्रमोशन से नहीं कर रही, मैं खुद के लिए अपने बेटी के बर्थडे के लिए खरीदे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप मेसो में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मैं स्क्रीन में फ़ोटो वैसे लगा दूंगी, पक्का लगा दूंगी। और आप चाहे अपनी मर्जी कलर भी पसंद कर सकते हैं, अपना मर्जी का मैं कलर वलर सब कुछ है। तो आप जाइए विजिट करके देखिए आराम से। तो अभी हम अब जा रहे हैं बिस्तर, तुम झाड़ दिए हैं और हम अभी नाश्ता करने वाले हैं। तो अभी नाश्ता क्या कर रहे वो आपको दिखाते हैं, अभी रुक जाइए। तो ये देखिए हमारा नाश्ता, ये है रोटी और ये है भुजिया। तो आप सोचते हो अभी भी नाश्ता तो बनाया नहीं, नाश्ता बनाया नहीं है। ये कल की रोटी थी और मैं अक्सर कल का रोटी रहता है जो, तो मैं इसको इसमें थोड़ा सा तेल या घी कुछ भी लगा के इसको मैं सेक देती हूँ। और ये कल रात को बेटे के लिए फरमाइश पे भुजिया बनाना पड़ता, सब्जी बनाए थे रात को, आलू बड़ी का सब्जी बनाए थे। और मुझे आलू बड़ी का सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद, बड़ी ही नहीं पसंद है, तो मैं ऐसे खाई भी नहीं थी, थोड़ा सा खाई थी। और बेटा का डिमांड पे फिर भुजिया बनाना पड़ गया था, तो फिर वही बनाया था तो थोड़ा बच गया है। तो सोचे कि इसको सेक देते हैं अच्छा से लगा के और इसको इसके साथ नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी हम नाश्ता फटाफट कर लेते हैं और अभी तो 12 बज जाएगा, तो मैं बच्चे लोग को जाऊँगी स्कूल से लेकर आऊँगी। और खास बात है कि बुद्धू का बर्थडे ईद के दिन पड़ा है, कल है ईद, तो ईद के दिन बुद्धू का बर्थडे पड़ गया है, तो दोनों कॉम्बिनेशन है। लेकिन अफसोस की बात है कि बुद्धू का बर्थडे है पूरा जगह में, ईद में मुस्लिम लोग का जितना है फ्रेंड का है, लोगों में बिरयानी बनेगा पर हम लोग के घर में नहीं बनेगा कोई नॉनवेज, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गया है, नवरात्रि शुरू हो गया तो पूड़ी वूड़ी भी कुछ नहीं बनता है और ना ही ये क्या बोलते हैं नॉनवेज बन रहा है, ना ही प्याज लहसुन का कुछ बन रहा है। तो इसीलिए कुछ सोच के वैसा बनाएंगे हम लोग कि कल क्या बनाए बर्थडे है। तो और बच्चे लोग ज़्यादा एक्साइटमेंट होते अपने बर्थडे का, मैं सोची नहीं भी बनाती, लेकिन क्या है कि बच्चे लोग बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हाँ मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, तो बस थोड़ा मोड़ा ही करते हैं। लेकिन बच्चे लोग को बुला देते कि ताकि बच्चे जो मेरे हैं वो खुश हो जाए, इंजॉय करें, क्योंकि ज़रूरी जो चीज़ हम लोग का नहीं हुआ ज़रूरी नहीं है कि बच्चे लोग का ना पूरा हो। तो इसलिए हम बस कोशिश यही है कि आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए कि हम सब कुछ करें और सारा डिमांड इन लोग का पूरा हो जाए, और अपना सपोर्ट दीजिए कि ताकि इसी तरह हम आगे बढ़े। आप लोग वैसे मेरा चैनल धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के ख्याल रखिए, बाय बाय। अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं तो अभी इसलिए बाय बाय कर रहे हैं, बाय।